brought to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तू ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज से लगभग 25 साल पहले भारत की फौज ने एक जंग लड़ी थी। वो जंग ऐसी ऊंचाइयों पर लड़ी गई जहां फौज तक खाना, राशन और गोला बारूद पहुंचाना बहुत कठिन था। दुश्मन देश की सरहद में घुसकर ऊंचाई पर बैठा हुआ था, वो हमारे फौजियों को दूर से आता हुआ देख सकता था। और ये दुश्मन कहीं और से नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान से आया था, भेष और हुलिया एकदम बदल के। लेकिन तैयारी में इतनी कमी थी कि जब इन दुश्मनों को मार गिराया गया तो पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों की लाशों को क्लेम करने से, पहचानने से इनकार कर दिया। और 2 महीने तक चले युद्ध के बाद भारत की जीत हुई। आज के लल्लन टॉप शो में हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, क्योंकि आज कारगिल के द्रास सेक्टर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। मनाया तो पूरे देश भर में जा रहा है, लेकिन द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पे बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं। शहीदों को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहाँ पहुँचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर और वन रैंक वन पेंशन जैसी चीज़ों पर विपक्ष को घेरने का काम किया, और जाहिर है कि विपक्ष की ओर से भी हमले किए गए होंगे। इस पूरी बहस को हम देखेंगे, समझेंगे, फिर चलेंगे संसद भवन, जहां पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण पर ऐसी बहस हुई कि कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। और संसद भवन के बाद जानेंगे दिन की सुर्खियाँ। नमस्ते, मैं हूँ सिद्धांत मोहन और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। साल 1999 के मई के महीने में देश के बड़े हिस्से में तेज़ गर्मी पड़ रही थी, और ठीक इसी समय तब जम्मू कश्मीर में मौजूद कारगिल के इलाके में एक भयानक खूनी जंग लड़ी जा रही थी। जंग के एक तरफ थी भारतीय सेना की तमाम टुकड़ियां और दूसरी ओर थे कश्मीरी उग्रवादियों और मुजाहिदों के भेष में छुपे हुए पाकिस्तानी फ़ौज के सैनिक। दरअसल कारगिल का जो इलाका है, अब जम्मू कश्मीर से नहीं लद्दाख में आता है, वहाँ से 10-1 किलोमीटर की दूरी पे भारत और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से गुजरती लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का जो फेंसिंग है वो पड़ती है। जब सर्दियाँ आती हैं तो कई फुट तक बर्फ़ पड़ती है। आम नागरिक और सैनिक सभी निचले इलाकों में चले आते थे ताकि ठंड से बच सकें। 1998 की सर्दियों में भी ऐसा ही हुआ। जब सर्दियां पड़ीं तो भारतीय सैनिक कारगिल के ऊंचे बर्फबारी वाले इलाकों में मौजूद अपनी चौकियों से निचले इलाकों में चले आए, और इसका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी फ़ौज के कुछ सैनिक LOC को पार करके भारत की चौकियों पर कब्जा करने लगे। लेकिन पाकिस्तान ने इनको सीमा में घुसाने के लिए एक बड़ा खेल रचा था। पाकिस्तान के ये सैनिक अपनी आधिकारिक वर्दी वगैरह में नहीं आए थे, बल्कि मुजाहिदों जैसे कपड़े धपड़े सब पहन के आए थे ताकि पकड़े जाएं तो भारत इसे अपनी आंतरिक दिक्कत, उग्रवाद की दिक्कत मानकर कार्रवाई करे, न कि पाकिस्तान का अटैक मानकर। रणनीति ये भी थी कि इससे इंटरनेशनल लेवल पे फजीहत कम होगी। 1998 की सर्दियों में पाकिस्तान ने भारत की चौकियों पर कब्जा करना शुरू किया, और अप्रैल 1999 आते आते पाकिस्तान ने भारत की लगभग 150 चौकियों पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे मई का महीना आया। मई के महीने में भेड़ें और बकरियां चराने वाले गुज्जर बकरवाल चरवाहों के एक समूह ने देखा कि भारत की जो चौकियां ऊंचाई के इलाकों में मौजूद हैं, उन चौकियों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो जाने पहचाने से नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये गुज्जर बकरवाल वहाँ घूमते रहते थे तो भारतीय फ़ौजों से, उनके सैनिकों से इनकी पहचान बनी हुई थी। चरवाहों ने नीचे की ओर लौटकर भारतीय सेना को सूचना दी। धीरे धीरे सेना ने रेकी शुरू की और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन। ऑपरेशन के कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया कि मुजाहिद के भेष में छुपे हुए दरअसल पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, क्योंकि जो लोग मारे जा रहे थे उनके पास पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े दस्तावेज बरामद होते थे। जब युद्ध आगे बढ़ा तो भारत की सेना ने इंटरसेप्ट किए कई सारे कॉल और कई सारे रेडियो मैसेजेस इन सैनिकों के बीच में, और पाकिस्तान में बैठे जो इनके कमांडर्स थे उनके बीच में जो वार्तालाप होता था उनको इंटरसेप्ट किया गया। तो ये पता चला कि हाँ, ये पाकिस्तान के ही लोग हैं, लेकिन लगातार पाकिस्तान अपनी फ़ौज की संलिप्तता नकारता रहा। युद्ध हुआ और 527 भारतीय फ़ौजियों ने
शहादत दी और आखिर में 26 जुलाई के दिन कारगिल के इस 2 महीने तक चले युद्ध की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा की गई। भारत की सेना ने ऐलान किया कि पाकिस्तान से जुड़े सैनिक और लड़ाकों ने भारत की सरहद छोड़ दी है। और तब से लेकर अब तक भारत 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस का आयोजन करता आया है। इस दिन कारगिल में शहादत दिए भारतीय फौजियों को देश याद करता है और इस साल कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस दिन कारगिल के द्रास सेक्टर में मौजूद कारगिल वॉर मेमोरियल पर कारगिल वॉर के शहीदों के परिजन, वॉर वेटरन और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही सैन्य अधिकारियों, पूर्व फौजियों और शहीदों के परिजनों ने भी वीरों को शीश नवाया। फिर प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा, इस पर बात करने के पहले झलकियों में देखते हैं वहां दिन भर की गतिविधियां। अब बात प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की। आज जब उन्होंने संबोधन शुरू किया तो उन्होंने 3-4 बड़ी बातें की, जैसे आज मैं उस जगह से बोल रहा हूँ जहाँ आतंक के आकाओं को मेरी आवाज़ सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंक के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूँ कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी, सामर्थ्यवान युवा भी देश की सेवा के लिए आगे आएगा। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अग्निपथ स्कीम को राजनीति का विषय बना दिया है। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि सेना को कभी आधुनिक फाइटर प्लेन न मिल पाए। जिन्होंने 500 करोड़ दिखाकर वन रैंक वन पेंशन का सपना दिखाया, वो अग्निपथ स्कीम पे सवाल उठा रहे हैं। कभी हम हथियार मंगाते थे, आज हम एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्माती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? और जब पीएम मोदी विजय दिवस के बहाने विपक्ष और पूर्व की सरकारों पर निशाना साध रहे थे तो उन्हें भी विपक्षी पार्टियों की ओर से जवाब मिला। इसे प्रधानमंत्री जी को कम से कम सेना जैसे संवेदनशील मामले को बहुत गंभीरता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ और उनके भविष्य को साथ, उनके सम्मान, स्वाभिमान और आत्मबल को बचाते हुए सोचना चाहिए। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि तो देखिए, इतना शर्मनाक है कि आप इसको ऐसी स्कीम को अच्छा बता रहे हैं जहां पे 5 साल के ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार होगा कि नहीं होगा, आर्मी में भर्ती होगी या नहीं होगा, उनका उनको फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं है, उनको प्रोविडेंट फंड्स के बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं, उनको इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं, ये पता नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, कारगिल युद्ध में शामिल होने वाले हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो उस समय के सेना के अधिकारी थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा की, वो वीर नहीं थे, बहादुर नहीं थे, युवा नहीं थे? आपने तो भारत की सेना को कमजोर किया। ये तो राजनेताओं की बात हो गई। विजय दिवस और पीएम मोदी के बयानों के परिप्रेक्ष्य में देश भर से कई पूर्व सैन्य अधिकारियों और फौजियों के घर वालों के, उनके परिजनों की प्रतिक्रियाएं आई। आइए सुनते हैं। ऑक्सीजन की कमी में हमें यंग सोल्जर चाहिए और कारगिल कमेटी की रिकमेंडेशन पे अग्निवीर बनाया गया था। जैसा कि मैंने कहा कि यंग ऑफिसर्स ने, जिनकी 6-6 महीने की सर्विस थी, वो भी बलिदान हुए, तो इसके बारे में अपोजिशन भ्रम फैला रहा है। रक्षा मंत्री ने बड़े ही बार बार कहा है कि ये योजना हम लाए हैं
और इसका 4 साल के बाद हर एक साल रिव्यू भी करेंगे, जो हमें कुछ कमियां नजर आएंगी उनको करेक्ट करेंगे। ये सब कंजेक्चर्स हैं, ये प्रोग्राम को रेक्टिफाई करने दीजिए, लोगों को सर्विस में जाने दीजिए, जब वो रिटायर होंगे जैसे ही उनको चैलेंजेस मिलेंगे, कोई कहता है उसकी शादी नहीं होगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब मेरे दिमाग से पूछेंगे तो प्री मेच्योर मनगढ़ंत बातें हैं। आपने अचार डाला है तो 4 महीने वेट नहीं करेंगे तो ऐसे खाएंगे तो बोले कच्चा यार स्वाद नहीं आ रहा है, लेकिन व्हेन इट इज टाइम राइपेंड इट लेट द फ्रूट राइपन यू विल लव इट सो गिव द स्कीम अ चांस। इस विजय दिवस आयोजन के दौरान द्रास सेक्टर में क्या क्या होता रहा, सुनते हैं अपने साथी निखिल वाट को जो इस समय कारगिल में मौजूद हैं। अब हमारे पीछे जिस पीक को देख रहे हैं यही तोलोलिंग है और इसी की लड़ाई को जब हमने जीता था उसके बाद में कारगिल युद्ध में हिंदुस्तान का पलड़ा भारी हुआ था और उसके बाद हिंदुस्तान की विक्ट्री का रास्ता साफ हुआ था, तो ये सारे किस्से उन्हें बताए गए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया जो ट्रूप्स थे और जितने भी लोग यहाँ पे इन्वाइटेड थे उनको। प्राइम मिनिस्टर ने बधाई दी तीनों सेनाओं को, कारगिल में जो शहीद हुए उनको याद किया और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कहीं जिसको लेकर के सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। ये एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह की खबरें पिछले दिनों इंडियन आर्मी को लेकर के आ रही हैं, स्पेशली अग्निवीर को लेकर के जिस तरह की रिएक्शंस हम देख रहे हैं, जो फॉलन सोल्जर्स हैं उनको किस तरह के मूवमेंट्स मिल रहे हैं, उनके परिवारों को किस तरह की मदद मिल पाती है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि अगर प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है आज के कार्यक्रम में तो प्राइम मिनिस्टर ज़रूर आएंगे और वो एक तरह से एक सूदिंग टच होगा उन फैमिलीज़ के लिए जिनके परिवारों से उनके बेटे उनकी बेटियां शहीद हुए हैं या जो सर्विस में हैं, तो ये चीज़ ज़रूर हुई। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे लेकिन जो बात उन्होंने अग्निवीर को लेकर के कही उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है, लोग उसमें अपनी राय रख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अग्निवीर सरकार का आइडिया नहीं था, ये सेना का आइडिया था। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अग्निवीर योजना की आलोचना ये कह के कर रहे हैं कि ये पेंशन बजट को कम करने के लिए कहा गया है, वो ये बात कैसे उठा सकते हैं जब पेंशन का जो मुद्दा है वो आज से 30-20 साल बाद की चीज़ है। और इसके बाद उनके कुछ बयान ऐसे भी थे जो राजनीतिक बयानों की श्रेणी में आएंगे, तो इसीलिए सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि एक सॉल्म सेरेमनी जिसमें हम अपने 500 से ऊपर शहीदों को यहाँ याद कर रहे थे, हिंदुस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे और जिन परिवारों का जिन फॉर्मेशंस का त्याग था उसके लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, तो क्या इन बातों को यही कह दिया जाना ज़रूरी था। तो इन अ नटशेल आज का कार्यक्रम कुछ इसी तरह पे कंक्लूड हुआ है। अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं कि किस तरह से समर स्मारक नज़र आता है, यहाँ पे कौन कौन सी कहानियाँ कौन कौन सी लड़ाइयाँ डॉक्यूमेंटेड है, तो बहुत जल्द हमारा एक स्पेशल प्रेजेंटेशन आने वाला है जिसे हमने नाम दिया है 25 साल विजय के, आप उसे भी देखिएगा। विजय दिवस के बाद चलते हैं संसद भवन। आज भी बजट पर चर्चा होनी थी और आज भी कार्यवाही बार बार रुकती रही। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की, जहां सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के कुछ सांसदों के बीच इस बात पर बहस हुई कि किसान को कौन अच्छे से समझता है। दरअसल राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सपा सांसद रामजी लाल सुमन के सवालों के जवाब दे रहे थे, उसी समय विपक्ष की ओर से हल्ला शुरू हुआ और सभापति जगदीप धनखड़ कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं, और भी विचार आवश्यक है, उस पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। राज्यसभा में ही आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बोलना शुरू किया। उन्होंने सरकार पर इल्जाम लगाए कि विपक्ष के सांसदों के फोन पर नोटिफिकेशन आए थे कि उन पर सरकार समर्थित हमला किया गया है, स्टेट बैक्ड अटैक, सरकार इस पर चुप क्यों है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इस पर राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई हमला नहीं करवाया। I along with several members of this house, particularly who sit on the opposition benches, were victims of something called as the state-sponsored spyware attack, whereby our mobile phones notified us
that a state-sponsored cyber attack took place, which was attempting to infiltrate our mobile phone devices. Now, members of not just this house, sir, including several journalists and eminent people in public life are also victims. Therefore, I ask through you, sir, the Honorable Minister, that whether the government has taken cognizance of such attacks, is there a list of the people who were attacked by such spyware attacks? And thirdly, what action has been taken? As far as what the member has mentioned. Listen to the Chairman, sir, I have not yet completed. I have not yet completed. This is a very bad practice, Randeep. No, don't rise. Listen to me. Honorable Minister. Chairman, sir, I have not yet completed the jumping the gun. Okay, okay. As far as the what the, this member has said regarding no, cases honorable, with honorable Apple. No, Honorable Minister, the point is the members would want half an hour discussion. If a request will come, we'll do it. Go ahead. But hear impatiently. Go ahead. Sir, there is no requirement for that. I'm clarifying the issue. Sir, with due respect, those issues which were raised regarding with Apple, our computer emergency response team, CERT India, the organization, is in touch with the Apple, and we are in the process of getting information from the Apple that where and how they have come to this conclusion, and if they can share with us the data or the situation where they have got that information from, our agencies will act on that. Thank you. राज्यसभा में एक मौका वो भी आया जब जदयू सांसद और पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कांग्रेस पर गठबंधन को लेकर निशाना साधा, कहा कि उनके साथ अलायंस करके हम भोग चुके हैं। ये बोल रहे हैं, कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे और हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। अंदर में गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे और लॉबी चला के कैसे किसका मत फटाउल करावे इसकी योजना बनाते थे। हम लोगों ने प्रणाम किया, इधर चले आए। तो इसलिए छोड़ दीजिए, जरा हम आपको बता देते हैं। तो इसलिए आप इधर आप बोलिए, आप साक्षी सभापति महोदय, सच्चाई इनको सुनना नहीं है, आप ही का विषय नहीं है। जिस समय ललन सिंह ये बयान दे रहे थे उस समय विपक्षी खेमे की ओर से शोर हो रहा था और फिर हुआ पलटवार। सर, हरियाणा को भारत का हिस्सा ना मानना ये कोई डिफरेंट भी है, सेडिशियस भी है, इसमें आप कोई सरकार हरियाणा को भारत का हिस्सा कैसे नहीं मान सकती? मैं आदेश दे रहा हूं, आप बिहार कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, कृपया आप कर लीजिए। अब वो मौका जब राज्यसभा में कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की गई। राज्यसभा में सपा सांसद जावेद अली खान ने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया, कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन की जरूरत है और जनसंख्या के आधार पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए, उसकी सीमा बढ़ाई जाए। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन जिस समय नीरज डांगी बोल रहे थे उस समय सत्ता पक्ष की ओर से हल्ला शुरू हुआ और कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ये निजी विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 16 सरकार से ये उम्मीद करता है कि वो उन पिछड़े वर्गों को जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है या पर्याप्त नहीं है उनको आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करेगी। मैं चाहता हूं कि इसमें दो लाइन का संशोधन कर दिया जाए। आरक्षण का उपबंध होगा लेकिन वो पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात में होना चाहिए। यह कोई बहुत नाजायज मांग नहीं है। 93 में ही कांग्रेस सरकार ने अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% का अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करते हुए एक और अधिसूचना जारी की। हालांकि 27% कोटा मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा, जबकि न्यायालय ने आर्थिक मानदंडों के आधार पर 10% कोटा को रद्द किया। न्यायालय ने यह भी देखा
कि पिछड़े वर्ग को और जब कार्रवाई शुरू हुई तो तीन दिग्गज भिड़ गए, सभापति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। दे आर इंसल्टिंग एन आदिवासी हु इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड दे आर मेकिंग सच काइंड ऑफ एलिगेशन ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। आई डिमांड एन अपोलॉजी। मिस्टर संजय सिंह शुड अपोलोजाइज। इट्स एन इंसल्ट ऑफ द चेयर। द चेयर असी ही हैज इंसल्टेड एन आदिवासी who was sitting on the chair, Sanjay Singh, again and again, and the entire take your seat, one second, हमारे एक साथी ने यहां पर ओबीसी आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाए, ये बहस जी आपको बोल रहा हूं सर, उस वो बहस में हिस्सा ले रहे थे नीरज जांगी जी, सब लोगों ने रोका सर। सर एक मिनट, हाउस क्यों एजर्न हुआ सर? एक मिनट सर, मुझे आपने 2 मिनट का टाइम दिया है, प्लीज 2 मिनट का सर टाइम दिया है, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। इन लोगों ने रोका, हाउस एजर्न हुआ सर। अगर रोका नहीं तो हाउस एजर्न क्यों हुआ? आपने रोका, मैंने उसको ट्वीट कर दिया, मंत्री जी नाराज हो रहे हैं, इतने लोग इनके पीछे खड़े होके हमको धमका रहे हैं। हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं है। लोकसभा में वो मौका आया जब मंडी से सांसद कंगना रनौत बोलने के लिए खड़ी हुई। उन्होंने भाजपा की सरकारों द्वारा हिमाचल के लिए किए गए कामों को तो गिनाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने आज़ादी के बाद पहली बार जैसे ही उपमाओं का इस्तेमाल शुरू किया तो विपक्ष की ओर से भी विरोध शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह मीत ने भी पलटवार किया। पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है उसके प्रभाव से उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है। और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं, आज भी हमारे लोग जो हैं उस बाढ़ के प्रभाव से जो पीड़ित हैं। मैं सबसे ज्यादा महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से, अगर कहीं से उनको इनकम है तो मनरेगा से है। सो बड़ी शर्म की बात है, आपने ना गरीबों को छोड़ा ना महिलाओं को छोड़ा। और उसके बाद युवा की बात की गई, सर आपके ही इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया गया कि भारत क्योंकि युवा देश है, यंगेस्ट स्थान है, तो यहाँ AI पर हमारे रिसर्च नहीं हो रहा जितने रिसर्च पेपर्स हैं। अगर हम अमेरिका से कंपैरिजन करें, चाइना से कंपैरिजन करें तो हम बहुत पीछे हैं। तो उस पर फंड देने की जरूरत थी। पर सर बड़े दुख की बात है कि आपने IITs का बजट कम कर दिया। संसद में जो हुआ आप हमारे संसद से जुड़े खास शो संसद में आज में देख सकते हैं। अब जानते हैं दिन की जरूरी सुर्खियां। पहले सुर्खी पेरिस ओलंपिक को लेकर, आज पेरिस ओलंपिक का आगाज हो गया है, 32 खेल और 10,500 खिलाड़ी। फ्रांस में इस मेगा इवेंट का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होना है। पेरिस के अलावा फ्रांस के 16 अन्य शहरों में खेलों का आयोजन होगा। भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों का दल इस इवेंट के लिए तैयार है और गया हुआ है, आज टीवी पर देखने को भी मिलेगा। इसमें 7 रिजर्व खिलाड़ी भी हैं। इस दल में एथलेटिक्स से सबसे ज़्यादा सदस्य हैं 29, इसमें 11 महिलाएँ और 18 पुरुष हैं। वहीं शूटिंग में 21 खिलाड़ी जा रहे हैं। 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में भारत ने रिकॉर्ड
7 मेडल जीते थे, जो ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इस बार भारतीय एथलीट इसके पार जाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए भारत को नीरज चोपड़ा, निखत जरीन, पीवी सिंधु जैसे सितारों से तो उम्मीदें ही हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं जो लगातार इन टूर्नामेंट्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली थी, और कल देर शाम पुरुष तीरंदाजी टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस टीम में हैं धीरज बोम देवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव। ओलंपिक में भारत के अन्य इवेंट्स की बात करें, मतलब जहां पे भारत शिरकत करेगा, तो बैडमिंटन मैच जो 27 जुलाई से 5 अगस्त तक होंगे, बॉक्सिंग के मैच 27 जुलाई से 10 अगस्त तक, हॉकी के मैच 27 से जुलाई से 8 अगस्त तक, शूटिंग गेम 27 जुलाई से 5 अगस्त, एथलेटिक इवेंट्स 1 से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे, वेट लिफ्टिंग के इवेंट 7 अगस्त से होंगे और रेसलिंग के इवेंट्स 5 से 11 अगस्त तक चलेंगे। दूसरी सुर्खी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित मानहानि के मामले में राहुल आज सुल्तानपुर, यूपी के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। राहुल ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ यह केस सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दर्ज किया गया है। कांग्रेस सांसद ने मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, न कभी किसी की मानहानि की है। मामला साल 2018 का है। सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। तब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। साल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बीजेपी ही अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। इस बयान को बीजेपी नेता ने आपत्तिजनक बताया था। इस साल फरवरी में इसी केस में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत दी गई थी और अब केस की अगली सुनवाई मुकर्रर हुई है 12 अगस्त को। अगली सुर्खी राज्यों के उन आदेशों को लेकर है जहां पर कांवड़ यात्रा के बहाने दुकानदारों को, ढाबा होटलों चालकों को, उनको कहा गया कि अपनी नेम प्लेट लगाइए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होटलों और ढाबों पर मालिकों के नेम प्लेट लगाने के फैसले को रोक जारी रहेगी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों ने नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आज मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ऋषिकेश रॉय और SVN भट्टी की बेंच ने कहा कि खाने की जगहों पर नाम लिखने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई खुद से ऐसा करना चाहता है तो किसी तरह की रोक नहीं है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सरकार ने 25 जुलाई यानी बीता कल की रात 10:30 बजे कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। अपने इस हलफनामे में यूपी सरकार ने बताया था कि नेम प्लेट लगाने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसके अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी फैसला जरूरी था। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें समय चाहिए, इसलिए कोर्ट ने अंतरिम रोक को बढ़ाने का फैसला लिया। अब अगली सुनवाई होगी 5 अगस्त के दिन। आज का शो यहीं तक। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, दिलचस्प रहिए और देखते रहिए ललन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।